हेलो गाइस, ये है भाई स्टिंग। और गाइस, ये जो रेड कलर वाले स्टिंग है, ये भाई हम सभी ने पिया है। लेकिन गाइस, मार्केट में कुछ इस तरीका का भाई जो है स्टिंग आ चुका है। यानी भाई जो है इसका कलर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये जो है ब्लू कलर का जो है स्टिंग, ये नया फ्लेवर आया है। ठीक है, तो गाइस इसका आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या भाई इस रेड वाले की तरह ही क्या ब्लू वाले का भी जो है टेस्ट है या फिर क्या है, आई डोंट नो। और गाइस, इस स्टिंग को जब हमने ब्लीच किया था तो इसका कलर जो है भाई पूरा तरीका से गायब हो चुका था। तो गाइस, आज के स्टूडियो में हम लोग इसका टेस्ट करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या ब्लू वाले स्टिंग को ब्लीच करने के बाद क्या इसका ब्लू का कलर पूरा हट जाएगा या फिर क्या होगा। ये चीज़ करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बिना देरी के अपना वीडियो भाई शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, फाइनली अब जो है भाई हम लोग अपने स्टिंग को ग्लास के अंदर डाल लेते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेड वाला ले लेता हूँ और गाइस यहाँ पर एक ब्लू वाला ले लेता हूँ। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर भाई हम लोग रेड वाले को इस ग्लास के अंदर कुछ इस तरीका से भाई डाल लेते हैं और आई थिंक इतना काफ़ी होगा टेस्ट के लिए। और गाइस अब जो है भाई इस ब्लू वाले को भी भाई इसके अंदर डाल देते हैं। लेकिन गाइस इससे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया, तो चलो भाई अब आगे इस ब्लू वाले को डालते हैं। और गाइस ये देख सकते हैं इसका जो कलर है काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिखता है। और भाई साहब यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं इसका कलर जो है भाई काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो गाइस अब जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भाई साहब इस रेड वाले को पहले टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद भाई फिर ब्लू वाले को देखेंगे और देखते हैं भाई रेड वाले का जो है भाई टेस्ट सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई रेड वाले का टेस्ट भाई जो है पूरा जो नॉर्मल हम लोग का स्टिंग अभी जो चल रहा है हम सब जानते हैं, बट भाई अब देखते हैं हम लोग ब्लू वाले का। भाई इसका जो टेस्ट है ये इससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन गाइस जो इसमें इसका जो है कुछ ज़्यादा थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ये थोड़ा उससे नॉर्मल वाला लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है बट ये थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। और इसका टेस्ट का बात करें भाई तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बट दोनों का एक तरीका से देखा जाए तो टेस्ट सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। भाई मुझे तो दोनों का टेस्ट सेम ही लग रहा है, तो आई थिंक आपको ये भी सेम ही लगता होगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगता है, अगर आपने अभी तक इसका ट्राई किया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपको इस ब्लू वाले का टेस्ट कैसा लगता है और रेड वाले का कैसा लगता है। भाई मुझे तो दोनों का दोनों सेम ही टेस्ट का लग रहा है। ठीक है, तो गाइस अब सबसे पहले ये जो बचा हुआ है स्टिंग, इन सभी को भाई इसके अंदर हम लोग ऐसे कुछ डाल देते हैं और गाइस इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर ब्लीचिंग पाउडर डालने के बाद क्या होता है। और गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास है भाई यहाँ पर रिन, ये भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है एजेंट है, यानी भाई जो है ब्लीचिंग एजेंट बहुत ही अच्छी तरीका का है। और ये भाई हम लोग पिछले बार जब इस चीज़ को स्टिंग के अंदर डाले थे तो इसका कलर काफ़ी जल्दी हटा दिया था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले भाई मैं इसके अंदर कुछ इस तरीका से डालता हूँ और भाई साहब इसके अंदर डालते ही इसका कलर जो है तुरंत से जो है भाई ख़त्म हो जाता है। आप लोग भाई साहब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये रहा इसका कलर ख़त्म पूरा का पूरा। तो गाइस अब जो है इस ब्लू वाली की बारी आती है, तो ब्लू वाले के अंदर भी भाई इसे पूरा डालते हैं और भाई देखते हैं ब्लू वाले के अंदर क्या होता है। ओ भाई साहब आप लोग यहाँ पर गाइस देख सकते हैं ये जो है भाई हमारा रेड वाला स्टिंग है और ये है जो भाई हमारा वो है ब्लू वाला स्टिंग। और रेड वाले और ब्लू वाले स्टिंग के अंदर भाई कुछ इस तरीका से हो चुका है, तो आप लोग को भाई यहाँ पर क्लियरली दिखता होगा। लेकिन गाइस थोड़ा सा और इसके अंदर भी डालते हैं और देखते हैं क्या ये फिर से वैसा होता है या फिर क्या। ठीक है, तो ये रहा भाई स्टिंग का पूरा कलर गायब हो चुका है और हमारा जो स्टिंग है वो अब पीने लायक नहीं है। तो आई होप ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। और गाइस अभी जो न्यू वाली जो स्टिंग कुछ इस तरीका से जो आई है, आपने इसका टेस्ट किया है या नहीं भाई कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अब किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।